तो जंतर मंतर पे कौन फैसिलिटेट करता है? जंतर मंतर पे तो हमें सब पता है, जंतर मंतर वाले ही फैसिलिटेट करते हैं। मगरमच्छ के आंसू बहा हैं, वही लोग आज भी 6 लोगों को लेकर जंतर मंतर पे बैठते हैं। जंतर मंतर में आप बैठने के काबिल हो या नहीं हो, लेकिन महबूबा जी के बयानों पे कभी बोलना नहीं चाहता हूँ। महबूबा जी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बयान देती हैं। अब उनके इस बयान को मैं क्या ताबीर करूँ, क्या ये दिल्ली में जो उनके लिए स्टेज सजाया गया था उस हवाले से उनको कहना चाहती थी कि मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ, या कश्मीर में जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे हैं उनको तसल्ली देना चाहती थी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो अगर पॉलिटिकल लीडर इलेक्शनों से भागेंगे तो उसके तो दो ही मैं ताबीर निकालता हूँ, या वो पॉलिटिक्स छोड़ना चाहते हैं या वो घबरा रहे हैं। वरना जो पॉलिटिक्स करने निकला है उसको तो लोगों के सामने जाना है, और लोग ही फैसला करते हैं क्या वो उनके लायक है नुमाइंदगी करने का या नहीं है। तो वो महबूबा जी को तय करना होगा वो कौन सी सियासत कर रही हैं, कहाँ की सियासत कर रही हैं, किसकी सियासत कर रही हैं। अभी तक तो हम समझ नहीं पाए हैं, ऑनेस्टली मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन उनकी अपनी सियासत है। हम खिदमत के लिए निकले हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहूँगा हम खिदमत के लिए निकले हैं। हमें किसी ने कहा नहीं था कि सियासत करो, हम तो खुद निकले कि अब भाई हम खिदमत करेंगे। अगर लोगों को पसंद हम क्यों नहीं लेंगे, तभी जब पावर होगा हमारे पास तब हम ज़्यादा डिलीवर कर सकेंगे, और हम ज़रूर करें, हमें कोई शक नहीं है। जिस वक्त हमारे पास पावर था हमने डिलीवर किया। उमर साहब का बयान देखिए, वो आपस की क्या वो एक दूसरे को कहते हैं। हम तो मेरा मानना यह है कि लोगों को फैसला करना है कि कौन जिम्मेवार है इन हालात के लिए। आज अगर आप मुझे पूछेंगे 1947 से आज तक तजिया करिए, बदकिस्मती की बात है जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा जख जम्मू कश्मीर के कॉज को पहुंचाया, चाहे वो 370 के हटाने, आप 47 से आज तक लीजिए, वही लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे, वही लोग आज भी 6 लोगों को लेकर जंतर मंतर पे बैठते हैं। क्या जंतर मंतर पे बैठ रहे हो? फिलहाल तो उन कत्लों का जवाब दे दो जिनका आपने अपने दौरों में किया है, उसके बाद हम कहेंगे कि जंतर मंतर में आप बैठने के काबिल हो या नहीं हो। लेकिन ये ड्रामाबाजी एक है, ज़रा मैं तो मानता हूँ यहाँ आप प्रेस के नुमाइंदे, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या आप वो बयान कैरी कर सकते हो कि जो आवाम आपको कहती है? जब आपको लिबर्टी नहीं है तो जंतर मंतर पे कौन फैसिलिटेट करता है? जंतर मंतर पे तो हमें सब पता है, जंतर मंतर वाले ही फैसिलिटेट करते हैं।